नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे पानी पीने का सही तरीका। पानी आजकल सभी लोगों को पानी का बड़ा कंफ्यूजन है कि पानी ज़्यादा पिए कि कम पिए, किस तरीके से पिए, किस बर्तन में रखकर पिए, कौन सा पानी पिए, अल्कलाइन, एसिडिक। तो ये हम आज कन्फ्यूज़न आपका दूर करने का प्रयास करेंगे। उसमें क्या करना है, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि पानी आपकी फॉलो योर थर्स्ट। सबसे बड़ा डॉक्टर जो है हमारी खुद बॉडी है। जब आपको प्यास लग रही है तो ज़रूर पानी पिए, थोड़ी मात्रा में पानी पीजिए। जैसे आपकी एक मुट्ठी के बराबर ही आपकी किडनी वर्क कर रही है, किडनी है तो किडनी में एक मुट्ठी में कितना वजन, कितना पानी आ सकता है, मुश्किल से आधा गिलास। तो एक बार में आधा गिलास पानी पीजिए, 125 ml पानी पीजिए और धीरे धीरे उस पानी को अच्छे से पहले मुंह में स्लाइवा में मिक्स होने दीजिए और उसके बाद उसको अंदर गल्प कीजिए। तो इस तरीके से कि ईट योर आपके लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स, कि आपका जो पानी है वो अच्छे से स्लाइवा में मिक्स होकर फिर अंदर जाए और केवल एक बार में 125 ml पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा भर के एक साथ पानी नहीं पीना है। हाँ, जो सुबह का जो उषापान है वो हम 3-4 ग्लास या जो 1.25 लीटर पानी पीते हैं उसको आप पी सकते हैं फटाफट, ताकि किडनी से फ्लश आउट हो, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पिए, धीरे धीरे पानी पीजिए। अब पानी जैसे आजकल हम सब आर ओ प्योरीफाइड या हाईली प्योरीफाइड पानी पीते हैं, बॉटल्स में पानी पीते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी आजकल पॉल्यूशन के कारण बहुत गंदा है, तो उसको प्योरीफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्योरीफाई करने के बाद जो उसके वाइटल न्यूट्रिएंट हैं वो भी जो बॉडी से निकल रहे हैं उन्हें वापस क्योर करने के लिए या तो आप उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर पानी पीजिए या चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, लेकिन रेगुलर एक ही बर्तन में पानी रख के नहीं पीजिए। जैसे किन्हीं को तांबे का पानी बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, लेकिन जो पित्ता प्रकृति के पर्सन है वो कोशिश करें कि तांबे के बर्तन की बजाय वो चांदी का या मिट्टी का बर्तन यूज़ करें और बर्तन को रेगुलर अच्छे से वॉश करते रहें। बॉटल अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, ग्लास यूज़ कर रहे हैं या मटका यूज़ कर रहे हैं या कोई भी जग यूज़ कर रहे हैं, उसे रेगुलर अच्छे से क्लीन करते रहें ताकि उसमें जो भी फंगस इन्फेक्शन है वो नहीं हो। इनको थोड़ा सा क्लीनिंग का थोड़ा ध्यान रखें। और प्लास्टिक की बॉटल में जैसे आप कुछ लोग पानी पीते हैं कि वो इजी टू हैंडल होती है, तो कोशिश कीजिए प्लास्टिक की बॉटल को थोड़ा कम यूज़ करें। प्लास्टिक की बजाय से आजकल स्टील की, मिट्टी की और आपकी बहुत सारे से पीतल की बॉटल, तांबे की बॉटल भी इजीली अवेलेबल होती है, तो उनको थोड़ी देर के लिए रखें। और कोशिश कीजिए कि जैसे तांबे की बॉटल में आपने पानी रखा है तो वो केवल आपको 6 से 8 घंटे ही उसको रखकर उसको यूज़ उसी में ही कर लीजिए। और अगर साथ ही साथ जैसे आजकल इन्फ्यूज वाटर का भी बड़ा ट्रेंड है कि हम पानी को अल्कलाइन बना के पी रहे हैं या मैग्नीशियम डाल के पी रहे हैं या फिर सिनेमन डाल के, तुलसी डालकर, आप उसे आराम से ले सकते हैं जो आपको सूट करे। इससे पानी में आप सिनेमन डाल के ले सकते हैं, पानी में आप कोशिश कीजिए कि जैसे नींबू का एक स्लाइस डाल के ले सकते हैं, पानी में तुलसी का पत्ता डाल के ले सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते को तोड़कर नहीं, साबुत ही तुलसी का पत्ता उस पानी में डालिए। या फिर आप जैसे गुलाब की पत्तियां उसमें डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, तो उससे पानी का थोड़ा सा जो उसकी क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि उस पानी को हम 6 to 8 hours के अंदर ही कंज्यूम कर लें, उसे पूरा ये नहीं कि आप 2-2 दिन तक उस पानी में वही सब चीज़ें रखकर वो यूज़ कर रहे हैं, उसे चेंज करते रहें। लौंग का पानी ले सकते हैं, जैसे लौंग आप उस पानी में डाल लीजिए या फिर इलायची उस पानी में डाल लीजिए या हल्की सी एक चुटकी हल्दी उसमें डाल लीजिए या फिर आजकल मैग्नीशियम सॉल्ट हम उसमें यूज़ कर डालते हैं एक चुटकी, और फिर उससे भी पानी को अल्कलाइन बना सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को यूज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं चेंज करते हुए। रेगुलर एक ही चीज़ नहीं डालें, जैसे वीक में एक दिन एक चीज़ डाली, दूसरे दिन वो चीज़, लेकिन ये कोशिश करें कि उसे 6 to 8 hours से ज़्यादा अपने पानी में ना रखें, ताकि उसमें जो वो फंगल इन्फेक्शन है वो डेवलप नहीं हो। पानी आप साफ पिए और अच्छा पिए। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।